नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। बिजली उपकरण को चुराने के मामले में सपा नेता छड़ा पुलिस के हत्थे। कन्नौज में सरकारी बिजली उपकरण चुराने वाले पुलिस ने दबोचा। पकड़े गए चोर के पास से ट्रांसफार्मर व तार सहित लाखों रुपए कीमती के बिजली उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपी बिजली विभाग में ठेकेदारी की आड़ में चोरी को अंजाम देता था। खुद को सपा नेता बताने वाला यह चोर अफसरों पर रौब काटने के लिए सचिवालय का फर्जी पास गाड़ी में लगाकर घूमता था। कन्नौज की ठटिया थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान तिरवा के खुदियापुर निवासी कृष्णपाल उर्फ टिंकू नेता को दबोचा। कृष्णपाल उर्फ टिंकू नेता एक ट्रैक्टर बिजली फाट ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरण लाद कर जा रहा था। रोकने पर उसने खुद को सपा नेता और बिजली विभाग का ठेकेदार बताया। उसकी बातों पर ठटिया थाना अध्यक्ष को कुछ आशंका हुई तो गाड़ी लेकर थाने में खड़ी करवा ली और जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि पकड़ा गया कृष्णपाल उर्फ टिंकू नेता बिजली उपकरण चोरी के कपड़ा जा चुका है। जो सामान वह अपना बताकर ले जा रहा था वह भी चोरी का था। मामला चोरी का देख ठटिया पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज कर हवालात में डाल दिया। ये ठटिया पुलिस द्वारा एक अत्यंत सराहनीय काम किया गया है। इसमें ठटिया पुलिस को एक सूचना मिली थी कि चोरी के ट्रांसफार्मर एक ट्रैक्टर पर लाद करके एक व्यक्ति जा रहा है और ये भी बताया गया था कि ये चोरी के हो सकते हैं। इस सूचना पर टिंकू पाल निवासी खुदियापुर थाना तिरवा को 3 अदद बिजली के ट्रांसफार्मर और बिजली के अन्य उपकरणों के साथ एक ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया गया है। और इस संबंध में जानकारी करने पर यह जानकारी मिली है कि एक निर्माण कंपनी द्वारा चोरी का ट्रांसफार्मर का मुकदमा थाना शिवरामों में पंजीकृत कराया गया है। 41/411 में बरामदगी हुई है और जो मुकदमा पंजीकृत है वो 379 IPC का है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।